नमस्ते दोस्तों, ये देख सकते हैं, इसको कहते हैं हांडी मीट। हमने प्लानिंग कर रखा था कि आज पिकनिक बनाएंगे और देखिए ये हांडी के अंदर मटन बन रहा है, गोटे के ऊपर धीमे धीमे आँच के अंदर स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम निकल चुके अपने घर से पिकनिक स्पॉट जाने के लिए और चारों तरफ देख सकते हैं भीड़ भीड़ लगा हुआ रोड के ऊपर। कोरोना लोगों को लग रहा है ख़त्म हो चुका है, हम लोग लेकिन मास्क पहने मुँह के ऊपर। ये गोरखपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी बाउंड्री है ये। और धीरे धीरे करते करते हम निकल रहे हैं तरकुलना देवी। यहाँ पर मान्यता ये है कि आप मटन का प्रसाद लेंगे तो आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। उसी रास्ते में गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है ये मंदिर और एक पिकनिक स्पॉट है। गोरखपुर बहुत सारे लोग सैटरडे संडे जाते हैं और आज दिन सैटरडे का हम लोग भी जा रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं इसमें कुसमी जंगल, देख सकते हैं चारों तो हरियाली है। मतलब एक जंगल, छोटा जंगल है ये, कुसमी जंगल के नाम से फेमस है। और बारिश हुई दिन में मौसम सुहावना हो चुका है, इसलिए मैंने अपने गाड़ी का खिड़की खोल लिया है और वहाँ से बाहर देख रहा हूँ। भाई बोल रहा कि बंद कर दे यार, एसी चल रहा है, लेकिन मैं बोला बोले रिकॉर्डिंग करने दो। देखिए कितनी हरियाली एकदम है, हरा हरा चारों तरफ दिख रहा आपको है। इस साइड भी देख लीजिए, इस साइड प्लॉटिंग हो रही है, लोग प्लॉटिंग करवा के बेचना चाहते हैं, इसलिए जो है ये काम कर रहे हैं। तो अंदर से पीछे बैठा हूँ मैं और दो मेरे भाई, बड़े भाई बैठे हुए हैं, आगे बैठे हुए मेरा मित्र है। और इस तरीके से पहुँच करजहाँ, ये जो ऊपर पुल दिख रहा है ना, एक रास्ता जाएगा लखनऊ चला जाएगा, एक रास्ता चला जाएगा बिहार चला जाएगा। और उसी रास्ते से आप सीधे चलिए गोरखपुर से देवरिया रोड के ऊपर, आपको ये जगह मिल जाएगा। 20 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है। आप सिंपल तरीके से, हम लोग बहुत बार बाइक से भी आते हैं लेकिन, और आज हम कार से जा रहे हैं। हमारे कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं उस मंदिर के ऊपर, मतलब फेवरेट जगह। आपको कोई अगर रिलेटिव गोरखपुर आता है ना, उसको ले जाइए तरकुलना देवी। और मटन खाने का शौकीन अगर है तो पक्का उसको मटन खिलाइए, क्योंकि अच्छा बनता है वहाँ पर। और इस तरीके से हम देखिए एंट्री करने पहुंच चुके हैं तरकुलना गेट के ऊपर, इसका मेन एंट्री है ये। और जैसे ही एंट्री करेंगे ना, मतलब गांव क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पूरा डेवलप हो रहा भैया। देखिए यहाँ होटल लोग खोल रखे हैं, चारों तरफ आपको अलग अलग वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी। मटन यहाँ पे आपको मतलब यहाँ कटवा सकते हैं आप है। और उसके बाद अंडा खाना आपको है, मतलब जो लोग देख रहे हैं इंडिया के बाहर से ना, वो समझ जाए कि गोरखपुर एक ऐसा हॉटस्पॉट बन चुका है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हीं का गृह जनपद है। तो डेवलपमेंट है, पिकनिक स्पॉट के रूप में भी डेवलप हो रहा है ये। तो देखिए जो मतलब कि एक अलग है यार, आप बंगलों में रहते होगे लेकिन जब आप झोपड़पट्टी में या खाना खाओगे ना, मतलब कि वॉल पट्टी के अंदर कितना अच्छा लगेगा। ये मॉडल शॉप है शौकीनों के लिए, यहाँ भी जा सकते हैं लोग हैं। और आपको तेल मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, हर चीज़ इस कस्बा के अंदर मिल जाएगा, कम एरिया के अंदर इसको डेवलप अच्छे तरीके से किया गया। और इसको देख सकते हैं दोस्तों, देखिए। और आज सैटरडे खैर भीड़ कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होता है सैटरडे संडे, इसलिए पब्लिक कम निकलती है। लेकिन हम लोग बहुत कोरोना का गाइडलाइन जो पूरा फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। देखिए मटन यहाँ कटा है, लोग बैठ के मटन बेच रहे हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं यहाँ पर ना, यहाँ से हंडी खरीदते हैं, हंडी खरीदते कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ के लोग पर के जी 400 रुपये लेते हैं, बनवाई लोग लेते हैं, जगह भी दे देते हैं, सब कुछ है। या तो अगर आप शौकीन है कि नहीं आप टाइम पास पिकनिक कराने यहाँ हुए, तो मटन यहाँ खरीद लीजिए, हंडी यहाँ खरीद लीजिए और उसके बाद खुद अपने हाथ से बनाइए। आपको झोपड़ी यहाँ किराए पर मिल जाएगी, 100 रुपये पहले था, अभी अलग जगह अलग रेट है, तो मतलब 100-200 रुपये में आपको हंडी किराए पर मिल जाएगी। देखिए गाड़ी आ चुकी, बरसात के मौसम में गीला गीला चारों बना हुआ है और गंदगी भी है भैया, कि झूठ नहीं बोलूँ, क्योंकि लोग आते हैं खाते हैं और खाना खा के उठा के पत्थर में फेंक देते हैं। हम लोग तरकुलहा, गाड़ियों का एकदम अंबार लगा हुआ चारों तरफ। गोरखपुर का बहुत फेवरेट जगह है, पिकनिक स्पॉट है ये, लेके चलता हूँ देखिए। तो ये आपने पिक्चर दिखा हुआ था, इसके अंदर मटन है और ये हांडी है, मतलब मिट्टी का बना बर्तन है ये। और इसके अंदर देखिए दो ये बन रहा, उस साइड चावल है, तो ये धीमी धीमी आँच पकता है। मतलब आप खाएंगे ना कहेंगे वाह क्या लाजवाब बना हुआ भैया, मतलब कि इतना अच्छा लगता है खाने में ये। और यहाँ पर देखिए चौकी किराया दिख रहा है ना आपको, चौकी किराया मिल जाएगा आपको, कुर्सी किराया मिल जाएगा आपको, दुकान भी अंदर ही है। आपको मसाला चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, चारों चीज़ आपको यही मिल जाएगा सिंपल तरीके से। हमने ऑर्डर दे दिया दुकानदार को, तुम खुद बनाओ, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग मंदिर घूमने के लिए। ये मंदिर यहाँ पर है, तरकुलना देवी मंदिर बहुत फेमस है। इसके पीछे कुछ स्टोरी अगर आपको पढ़ना है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए तरकुलना देवी गोरखपुर मंदिर के बारे में, बहुत डिटेल्स मालूम हो जाए, क्योंकि इतने कम शब्दों में बताना मुमकिन नहीं है और मैं समझा भी नहीं पाऊँगा। तो अब चलते हैं मंदिर के पास में और देखिए यहाँ पर जो महिलाएँ आती हैं ना, उनको तो शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, बच्चों के खिलौना यहाँ पर है, टिकली बिंदी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कभी भी इंडिया में आप आएँ, मतलब उत्तर प्रदेश गोरखपुर में आएँ, तो इस जगह ज़रूर पहुँचिएगा, क्योंकि आपको एक अलग फील होगा। कि देखिए रात का समय, दुकानें बंद हो चुकी हैं और खैर बरसात भी हो रहा था, इसलिए आज पब्लिक कम है, तो ये लोग चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं चल रहा हूँ मंदिर के पास में
और देख सकते हैं माला है, ये बच्चे खेल रहे हैं छोटा छोटा। और देखिए क्या दिया हुआ, 20 रुपया 5 रुपया सामान, मतलब 20 रुपये में कोई भी सामान ले लीजिए, 5 रुपये में कोई सामान ले लीजिए। यहाँ पे क्या दुकानदार ना एक लॉट में सारा सामान रख देते हैं, उसमें कहते हैं कि आप जो है 5 रुपये में कोई भी सामान लेंगे तो 5 रुपया, 20 रुपये में कुछ सामान लेंगे 20 रुपया। देखिए नारियल बिक रहा है यहाँ पर, रात को 7 बजे है, नारियल है, मूर्ति है भगवान जी का, और यहाँ भी नारियल है, जो लोग जाते हैं मंदिर में तो वो नारियल खरीदते हैं उसके बाद जाके चढ़ाते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से आप वहाँ पे देख सकते हैं, मतलब सब व्यवस्था, ये पंखा है, लाइट है, आउटर में है ये, और आउटर में इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है त्रिपुरा देवी मंदिर। ये जब से चीफ मिनिस्टर बने ना गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी, तब से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, मतलब परिवर्तन हो चुका है, मतलब कि साफ सुथरा, और योगी जी इसे फंडिंग करते हैं मतलब कि मंदिर को सुधार करने के लिए। पिकनिक स्पॉट है ये, और देखिए बैक रास्ता है ये, और मैं चलता हूँ फ्रंट रास्ते में। आप ही आशीर्वाद दे दीजिए, माता जी का बहुत बड़ा योगदान है गोरखपुर विकास के लिए, और बहुत ही मतलब मान्यता वाली माता जी हैं, कुछ मांग लेंगे तो मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। आप भी मांग लीजिए, देखिए माता जी का दर्शन यहाँ से सीधे सीधे कर सकते हैं आप लोग हैं। बहुत फेमस मंदिर गोरखपुर का त्रिकुला देवी मंदिर कहते हैं इसको। पीछे तार है, अंधेरा हो चुका दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने एक बार कैमरा घुमा दिया दिखाने के लिए, पीछे तार है और ये मेन एंट्री है। लोग आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, और माता जी का आशीर्वाद लेते रहते हैं। हम लोग भी लिए हुए हैं, और आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर थक जाएँ तो बगल में चाय की दुकान होती है, वहाँ पे आइए, आराम से चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, मिठाई खाइए, समोसा खाइए, रात को 8 बजे आपको मिल जाएगा। बारिश हो रहा है इसलिए पब्लिक कम है, इसलिए दुकान जल्दी बोल जाए। हम लोग अब यहाँ पर बैठ के चाय पी लेते हैं, मुँह पे मास्क, गर्मी बहुत ज़्यादा देख सकते हैं यार, बरसात होने के बाद में उमस लग रहा अब तो है, पसीना पोछा जा रहा है, बैठा जा रहा है। और उसके बाद जो है रिटर्न चल रहे हैं अपने जहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, हम निकल रहे हैं मार्केट से, अब चल रहे हैं वहीं पे जहाँ पे हमारे दोस्त बैठे, जहाँ खाना बन चुका, तैयार हो चुका है, क्योंकि हम वहाँ आ चुके हैं। और अब यहाँ पर लिट्टी बन चुका, चावल बन चुका, अब बात होती है कि मटन बन चुका है, और अब लिट्टी बन रही, देखिए मतलब आटे को गोल करके रोटी में डाल देते हैं और पकता रहता है, इसको कहते हैं लिट्टी, मतलब एक तरह रोटी ऐसे, रोटी गोल बनता है बड़ा सा, ये गोल गोल करके इसको बना देते हैं, ठीक है, समझ चुके हैं ना, तो यही हम खाने वाले हैं। देखिए सर्व हो चुका है, इस हंडी के अंदर मटन पड़ा हुआ है, और उसके बाद देखिए ये मटन है, क्या लुक देख ली, कितना कलर अच्छा है, फोटो खींची में दिखा रहा आपको, ये लिट्टी है ये। और अब स्वादिष्ट भोजन का हम वर्णन कर रहे हैं, तो पिकनिक प्लेस है भाई, आना है तो आइए और एंजॉय करो। ये मेरा भाई बिट्टू, इसका बर्थडे है, डांस कर देंगे कितना तरीके से, कि मेरे हम लोग हैं और सब लोग जो है मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं, तो कोई बात नहीं, सब मेरे दोस्ती हैं। और देखिए इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, खुद मतलब बनाइए, खुद अपने हाथ से खाइए साथ में, और फुल एंजॉय करिए। देखिए कितना आनंद आता है कि आपके 30-40 दोस्त बैठे हुए हैं, खा रहे हैं साथ में, और ये देखिए ये लिट्टी है ये, ठीक है, ये मतलब कि आप खाए हुए कभी नहीं खाए हुए ना, तो गोरखपुर आइए फिर खाने के लिए, और त्रिकुला जाइए, यहाँ खा सकते हैं और इस तरीके से पूरा एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मित्र मंडली है, कुछ डांस कर रहे हैं लोग हैं, बातें कर रहे हैं, गाना चल रहा है, फ़ोटो खींच के मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दुकान भी अंदर ही होता है, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको ग्लास चाहिए होगा, आपको पानी की बोतल चाहिए होगा, आपको तेल चाहिए, लहसुन चाहिए, सारी चीज़ें ये लोग व्यवस्था कर देते हैं। देखिए चौकी किराए पर दे देंगे आपको, आपके लिए खाना बना भी देंगे, आपको कुर्सी किराए दे देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, सारा चीज़ कर देंगे ये, तो सारी चीज़ जो है इस तरीके से मतलब एक झोपड़ी के अंदर पूरा चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। कार्यक्रम खत्म हो गया, अब निकल रहे हो यहाँ से, अनिल भाई मित्र हैं ये, अब चल रहे, बाय।